तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बहुत ही जल्द मूवी आ रही है, तो उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। मैम भी उनके अंदर एक्ट कर रही है, तो पहले आपसे शुरुआत करती है, थोड़ा बताइए मूवी के बारे में। मैडम सिर्फ एक्ट नहीं कर रही, मैडम ने फिल्म प्रोड्यूस भी की है, मैडम ने इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं। गाने एक गाना लिखा है, उसके अलावा डायलॉग लिखे हैं और स्क्रीन प्ले हम दोनों ने लिखा है। तो सिर्फ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सब कुछ कोलैबोरेशन हमारा मिला जुला है। और हमने 2013 से इसका काम शुरू किया था, और उसके बाद में पूरा करते करते, प्री प्रोडक्शन करते करते, हम जनवरी 2015 में हम लोग फ्लोर पे गए थे, और अगस्त 2015 के आसपास हमको सर्टिफिकेट मिल गया था सेंसर का। उसके बाद हमने 2015 अगस्त को सर्टिफिकेट मिल गया था। हाँ, मतलब हमारे हाथ में था 2015 अगस्त को, हमारे हाथ में था। और उसके बाद में हम लोगों ने स्क्रीनिंग शुरू करी। सबसे पहली स्क्रीनिंग, चूँकि मैं आई बिलोंग टू जयपुर, तो सबसे पहली स्क्रीनिंग हमने वहीं पे की थी 4 नवंबर 2015 को, जिसके अंदर हुज़ हु ऑफ जयपुर, यू कैन से राजस्थान, इवन ऑफ दिल्ली वहाँ पे थे, जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑनरेबल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भी थे, और भी कई बड़े लोग उस स्क्रीनिंग में आए थे। वो हुआ, उसके बाद दिल्ली फेस्टिवल में हम लोग गए दिसंबर में, वहाँ पे फिल्म चली, वहाँ पे हमको अच्छा रिस्पांस मिला। जनवरी में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इस फिल्म को उसमें 2 अवार्ड मिले, और एक बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का और एक बेस्ट थीम अवार्ड, क्योंकि ये थीम 2015 में दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इस सब्जेक्ट पे बनने वाली। तो पूरे फेस्टिवल में ये था यार, इस सब्जेक्ट, इतने ड्राई सब्जेक्ट को इस तरह से एंटरटेनिंग तरीके से ये अप्रोच के साथ में किया है कि एंटरटेनमेंट भी है, इट इज़ नॉट ओनली फेस्टिवल आर्ट और उस तरह के श्रेणी में नहीं आती, इट इज़ फुल फ्लेजेड कमर्शियल फिल्म, ऑल दो हैज अ न्यू स्टार कास्ट, बट इसमें वो पोटेंशियल है। वहाँ से चीज़ें, लोगों ने हमें बोलना शुरू किया, हम लोगों ने उसमें काम शुरू किया बहुत सारे। फिर उसके बाद हमको मेलबर्न में AMIT यूनिवर्सिटी है, उनका फेस्टिवल होता है, वहाँ से हमको बुलाया गया। हमें IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमको स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, उनके मेंबर्स के लिए, तो हम वहाँ पे गए। टोरंटो में अभी 2017 में हमारी फिल्म अभी चली है, साउथ एशिया इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर। सो उस तरह से रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला। सितंबर 2016 में हमने एक हफ्ते का पटना में टेस्ट रन किया था, तो हमको वहाँ पर ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला। वहाँ पर पूरा जिस तरह से हमको सपोर्ट मिला, ऊपर से दैट वाज अ पेड थिंग, क्योंकि इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इतने ड्राई सब्जेक्ट पे, ठीक है फेस्टिवल में रिस्पांस अच्छा है, बट कमर्शियली कैसा होगा। तो हमने कहा एक सैम्पलिंग करके दिखाते हैं सर आपको, तो हमने सैम्पलिंग करके दिखाई वहाँ पे कुछ लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। डे 160% ऑक्यूपेंसी एंड डे 7 90-95% ऑक्यूपेंसी फॉर दिस फिल्म, जो कि 700 की कैपेसिटी का थिएटर है, वो भी पटना के अंदर, जहाँ की सोच लोगों की ऐसी है कि भाई वहाँ पटना में ना मारधाड़ और ऐसी चलती, बट ऐसा नहीं है। ये फिल्म विदाउट मारधाड़ और एकदम स्वीट लव स्टोरी है। टॉयले, ये आपका जो शौचालय और स्वच्छता जो है, ये एक उसका भाग है और एक वो चीज़ है, उसके साथ में लव स्टोरी भी है। तो वो चीज़ हुई राजस्थान के अंदर, हम लोगों ने ऐसे ही टेस्ट रन किया कि भाई एक पटना एक तरीके का टेरिटरी है, राजस्थान डिफरेंट है, यहाँ भी करके देखते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 3 शहर में, कोटा, जयपुर, उदयपुर के अंदर, वही अगेन वही अप्रोच के साथ में, यूनिसेफ हमारे साथ था उसके अंदर, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था, तो उन्हीं लोगों के लिए हमने कुछ शोज़ किए थे जहाँ जहाँ उन लोगों ने बोला। तो वहाँ पर जब शोज़ किए, तो एक शो था कुछ 700-800, एक पिलेसिया विलेज करके वहाँ पे जगह, ब्लॉक है उदयपुर में, तो वहाँ का पूरा, उस ब्लॉक के जितने गांव होते हैं उनके सारे लोग आकर उन्होंने फिल्म देखी। कुछ 600-700 के करीबन वो थे, औरतें थीं, वो देखी। उसके एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे 80 टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए। उस गांव की औरतों ने इमोशनल ग्राउंड में अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करके घर में टॉयलेट बनवाया। एक बड़ी न्यूज़ आई, बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी पूरे राजस्थान में, ये चीज़ हुई थी, तो वो एक अच्छा अचीवमेंट था। ये देखते हुए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इमीडिएटली मैडम को वहाँ का स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेयर किया। सो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, और इतना कुछ डेटा इकट्ठा हुआ था, तो अल्टीमेटली हम एक फाइनेंसर को कन्विंस कर पाए और ही केम ऑन बोर्ड, और हम लोग 28 जुलाई को रिलीज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर है, उनके साथ में बात हुई थी, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से 11 और 12 जून के आसपास जब इनका ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद धीरे 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 करते करते हमने कहा ठीक है, हम 28 कर रहे हैं, 1 जुलाई से हमारा प्रमोशन शुरू होने वाला है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि इन्वेस्टर को भी आसानी रहे, वो सब रहे। तो हम, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। तो हम जिस दिन वहाँ पे पहुँचे, इन्वेस्टर ऑल्सो विद अस,
वो बोलते कि यार सब ठीक है, वो हो जाएगा, आप लोग पब्लिसिटी शुरू कीजिए। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर उनकी तरफ से फ़ोन आ गया, मतलब मेकर्स की तरफ से फ़ोन आ गया कि बॉस ऐसा है, तो फ्रेटर्निटी का मामला है, दे आर इन, साल की 4 फिल्में आती हैं, ये होता है, आप तो पता नहीं नए हो, तो इसीलिए एक बार उनका अगर फ़ोन आ गया तो हम 28 को ही फिल्म उतार देंगे। अब ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। अब किसी इन्वेस्टर को आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ लगाने को कह रहे हो और अचानक से आप उसको बोलो कि उतर भी सकती है, तो वो कौन लगाएगा? तो हमारी जो 3 साल की मेहनत थी, विद इन कुछ मिनट, चंद मिनटों के अंदर वो वापस 0 हो गई। वी अगेन केम ऑन द सेम पोजिशन। तो कुछ ऑप्शन नहीं था। देन फिर उसके बाद में एक ऑप्शन तो ये था कि कोई बात नहीं, जो अन्याय हुआ है सह लो। उन्होंने कहा आप उनके आने दीजिए, उसके बाद लगाइएगा। अरे भाई क्यों? कि नहीं, उनकी और आपकी फिल्म एक सी है, तो इसमें मेरी गलती है। हम 2015 से बना के बैठे हैं, 50ों लोगों ने फिल्म देखी है, किसने कहाँ कैसे क्या क्या देखी है। खैर वो सारे फैक्ट्स हैं जो हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, तो वो हमको समझ में नहीं आया। तो दिस वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। तो हम लोग कोर्ट के सामने गए, क्योंकि हमको इस देश के कानून पर भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा।